हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इज़राइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में। अभी 15 दिन से आपको पता है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में 15 दिन तक युद्ध चला। चारों तरफ सारे देशों को, सारे कंट्रीज़ को चिंता हुई कि ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, और सभी इसी टेंशन में थे, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार में न बदल जाए युद्ध। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के दखल के बाद इस दोनों देशों में सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन इस सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ का बहुत ही चर्चा रही। चारों तरफ न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह एक ही बात की चर्चा रही कि आयरन डोम, इज़राइल का आयरन डोम। आखिर इज़राइल का आयरन डोम है क्या? हर जगह इसी के बारे में चर्चा रही। फिलिस्तीन की तरफ से हजारों रॉकेट इज़राइल के ऊपर दागे गए, लेकिन क्या हुआ? इसराइल ने 90% रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए, हवा में ही मार गिराए। किसके बदौलत, किसके बलबूते पर? इसराइल के आयरन डोम की वजह से। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसराइल का आयरन डोम आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, और क्या है, और इसकी क्या प्रणाली है। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि आखिर भारत ने इसराइल से आयरन डोम क्यों नहीं लिया, भारत ने रूस S-400 क्यों परचेज किया। भारत चाहता था तो ये इसराइल से आयरन डोम भी तो ले सकता था। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम अभी चर्चा करेंगे कि इसराइल का आयरन डोम आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इसे बनाया है इजरायली फर्म राफेल एडवांस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। अब इसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके बनाने की जरूरत यह पड़ी कि इसराइल चारों तरफ से अरब कंट्रियों से घिरा हुआ है, और चारों सभी अरब कंट्रीज इसराइल को अपना दुश्मन मानती है। तो इसराइल इन दुश्मनों से घिरा होने के कारण इसराइल ने सोचा कि यार कुछ ऐसा सुरक्षा चक्र अपने देश के लिए बनाए जिससे आने वाले दुश्मनों के रॉकेट या मिसाइलें अपने देश में ना गिरे और अपने नागरिकों को नुकसान ना हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए। तो 2006 में जब इसराइल और लेबनान का युद्ध हुआ, ध्यान रखना, तब हिजबुल्ला ने हजारों रॉकेट इसराइल पर दागे। तब इसराइल को महसूस हुआ कि अपने देश में भी ऐसा कोई सुरक्षा चक्र प्रणाली या ऐसा कोई सुरक्षा चक्र होना चाहिए जिससे कि आने वाले रॉकेट को बीच में ही नष्ट किया जा सके। 2011 में यह सर्विस में आया, और इसको बनाने में अमेरिका ने मदद की। अमेरिका ने भी इसको तकनीक दी, इस आयरन डोम बनाने को इसराइल को। इससे क्या होता है, इससे एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड होता है, इसमें एयर टू एयर प्रणाली होती है, इसमें राडार होता है, और एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी हुई होती है। वो मिसाइल क्या करती है कि आने वाले दुश्मन के रॉकेट को पहचान कर वो मिसाइल जाती है और दुश्मन की मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देती है। अब अपन आगे बात करेंगे कि ये इसराइल का आयरन डोम काम कैसे करता है और कैसे ये संचालित होता है, अभी देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये आयरन डोम काम कैसे करता है। एक ग्राफिक्स के जरिए अपन इसको समझते हैं। ये एरिया आप ये मान लो, ये एरिया इजरायली नागरिक का एरिया है, ये इसके चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र लगा हुआ है आयरन डोम के द्वारा। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए। यहां से फिलिस्तीन के द्वारा रॉकेट दागे जाते हैं इजरायल के ऊपर। इसराइल का सुरक्षा चक्र आयरन डोम कैसे काम करता है? फर्स्ट, नंबर वन, यहाँ पे इसके रडार यूनिट लगे हुए होते हैं, यहाँ पे वो रॉकेट की पहचान करते हैं। सेकंड, इसके बाद ये यहाँ पे रडार डिटेक्टर होते हैं, ये रडार डिटेक्टर सेना को सूचना पहुँचाते हैं कि दुश्मनों के द्वारा रॉकेट भेजे गए हैं और रॉकेट आ रहे हैं। थर्ड, ये कंट्रोल यूनिट होती है, इससे इसका लोकेशन का पता लगाते हैं, किस दिशा से ये रॉकेट आ रहे हैं और किस दिशा से ये गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, इसके बारे में ये कंट्रोल यूनिट पता करती है। फोर्थ, यहाँ ये लगा हुआ है इसराइल का मेन सिस्टम, इसमें तामीर मिसाइल दागी जाती है, इससे यहाँ से ये मिसाइल यहाँ दागी जाती है, सीधी यहाँ आती है इस रॉकेट के, यहाँ हवा में नष्ट कर दी जाती है। ये इसराइल की तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है जो दुश्मन के आने वाले रॉकेट को बीच में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसराइल का आयरन डोम सिस्टम ये काम करता है।
अब इसके ये कहते हैं कि इसकी सक्सेस रेट कितनी है। इसराइल तो खुद कहता है कि इसकी सक्सेस रेट 90% है, लेकिन जो विदेशों के द्वारा इसकी जो रिपोर्ट निकल जाती है वो इसकी कहते हैं इसकी 80% तक इसकी सक्सेस रेट है। लेकिन अभी जो वर्तमान में इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ उसमें कहते हैं कि अभी वर्तमान में एक दिन में 40 घंटे में 1050 मिसाइलें दागी गई इसराइल के ऊपर। तो उस रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने 850 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी। ये एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा। तो इस प्रकार से इसराइल का आयरन डोम ये काम करता है, इसराइल का पूरा सुरक्षा करता है कि कैसे दुश्मनों को आने वाले रॉकेट और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर देता है। अब अपन ये आगे देखते हैं कि इसका खर्च कितना आता है, कितना इसका एक बार ये सिस्टम मैनेज करने का और तामीर इंटरसेप्ट मिसाइल का और सबका कितना खर्च आता है, ये अभी अपन आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस सिस्टम को लगाने में टोटली कितना खर्चा आता है, इसका हम अभी डिटेल देखते हैं। इस सिस्टम के का खर्चा एक यूनिट की कीमत $50 मिलियन बताई गई है एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसके अपने इंडियन करेंसी में होता है 368 करोड़ यानी 368 करोड़। इसमें एक तामीर इंटरसेप्ट मिसाइल भी आती है, इसकी कीमत $80,000 के करीब बताई गई है, जो अपने इंडियन करेंसी में 59 लाख के बराबर है। थर्ड एक रॉकेट की कीमत इसमें आती है $1,000, जो अपने इंडियन करेंसी में 74,000 रुपीज़ के। तो ये इसका एस्टिमेट कॉस्ट आता है इस आयरन डोम का। अब रही बात कि इंडिया ने आयरन डोम क्यों नहीं लिया, इंडिया ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा, इसका अपन डिस्कस आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम की। आखिर भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद क्यों की। ये खरीद 2018 में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसकी पहली खेप अभी इस साल इंडिया को मिलने वाली है और इसका पूर्णतया 2023 तक पूरी अपन को रूस से S-400 की प्रणाली पूरी तरह से अपन को मिल जाएगी। तो आखिर क्या कारण रहा कि भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा। तो कुछ 6-7 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जो इसराइल के आयरन डोम से ये S-400 किस तरीके से बेहतर है। देखिए, नंबर वन, S-400 की रेंज सबसे ज़्यादा है, आयरन डोम की रेंज कम है। आयरन डोम की रेंज है 150 किलोमीटर और इसकी रेंज है 500 to 600 किलोमीटर। अब इसराइल तो एक छोटा सा देश है, अपने इंडिया किसी स्टेट के बराबर शायद उससे भी कम है, लेकिन अपने इंडिया विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल देशों में गिना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत को ज़्यादा रेंज वाली एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, तो इसमें यह S-400 पूरी तरह से शूट होती है। सेकंड, S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का। ये S-400 इससे अमेरिका तक इससे डरता है, अमेरिका के पास में भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इतना बेहतर और इतना सटीक वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास भी नहीं है। अभी यह सिर्फ दो देशों के पास है, दो देशों ने रूस से खरीदा, फर्स्ट चीन और सेकंड तुर्की ने, और थर्ड तीसरा इंडिया है अपना देश जो रूस से अभी खरीदने जा रहा है। इसके अलावा इस विश्व में किसी के पास में भी ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अपन इंडिया के खरीदने के बाद तीन देशों के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, चीन, तुर्की और इंडिया, और फिर रूस के पास तो पहले से है ही। थर्ड, ये देखिए, यह सिस्टम दुश्मन के विमान, एयरक्राफ्ट, मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है, आयरन डोम यह नहीं कर सकता। थर्ड, यह रूस की सबसे उन्नत और विकसित लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, रूस का सबसे उन्नत और विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है। फोर, यह एक राउंड में 72 वार करता है, एक राउंड में 72 मिसाइल दाग सकता है, ध्यान रखने की बात है, और आयरन डोम सिर्फ 36 या 40 के समथिंग ही मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। तो आप देखिए कितना, आप खुद देखिए कितना फर्क है। फिफ्थ, यह एक साथ तीनों दिशाओं के खतरे को भाप सकता है, सबसे प्लस पॉइंट इसका यह है कि अगर तीनों मिसाइल की, अगर दुश्मनों को मिसाइल तीनों तरीके से आए तो तीनों दिशाओं से भी यह डिफेंस सिस्टम इस खतरे को भाप सकता है और इसको टारगेट काउंटर अटैक कर सकता है, और एक साथ यह 100 हवाई खतरे को पहचान सकता है। अगर किसी ने एक साथ
100 मिसाइलें भी दागी है तो भी ये डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा और आने वाले राफेल आने वाले मिसाइल को रास्ते में नष्ट कर सकता है। 6, यह अमेरिका के F-35, नोट करने के बाद सोचिए, अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट है जो सबसे उन्नत और विकसित है मिसाइल दागने में, उसको भी ये मार गिराने में सक्षम है। अगर ये एयरक्राफ्ट भी अगर आता है सामने तो ये डिफेंस सिस्टम उसको भी मार गिराता है। और सबसे बड़ी बात ये एयरक्राफ्ट ये 35 जैसे 6 लड़ाकू विमान को भी एक साथ मार गिराने में क्षमता रखता है। तो देखिए आप अमेरिका के जैसे जिनके पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ये मार गिराने की क्षमता रखता है। 7, ये 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइल को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये S-400 डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत और कितना शक्तिशाली है और कितना परफेक्ट है इंडिया के लिए, आयरन इसराइल के आयरन डोम से कितना बेहतर है। तो इसीलिए इंडिया ने S-400 की डील की रूस से, इस कारण से इंडिया ने इसकी खरीद की। इसी के साथ आज ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।